सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर कर ली गई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर कर ली गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी देखें, 2016 से जो पैनमा का हंगामा शुरू हुआ था, बज़ाहिर आज वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्योंकि जो तीन रेफरेंसेस थे, एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया, तीनों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद और उनके ख़ानदान के अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के सामने अल अज़ीज़िया रेफरेंस की अपील ज़ेर समात थी, जिसमें जुज़वी तौर पर दलाइल अमजद परवेज़ की जानब से दिए गए, फिर नैब प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट्स दिए और नैब प्रोसिक्यूशन की जानब से ये इस्तदा की गई कि इस केस को रिमांड बैक करके रीट्रायल का हुक्म दिया जाए। ताहम अदालत ने उनकी आज भी ये इस्तदा मंजूर नहीं की, मुस्तरद की, और अदालत ने मेरिट पर सुनकर इस केस को डिसाइड किया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था, जिसने नैब प्रोसिक्यूशन से ये सवाल किए कि आप इस अदालत के सामने पहले कोई शवाहिद तो रखें कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि यह केस बनता था, और इस बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानब से यह पूछा गया कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि कहां पर अल अज़ीज़िया स्टील मिल से और हिल मेटल स्टील मिल से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ताल्लुक बनता है। तो नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक अलदार ऑडिट रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट अदालत के सामने नहीं किए जा सके अदालत के सामने। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया, कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हुए हैं। शहबाज़ शरीफ ने कहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि 7 साल जो ज़ाया किए गए वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह थे। तो आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की जानिब से आज के फैसले पर ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकदमात में बरी हो गए हैं। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया है। आज अवाम के सामने इन झूठे और जाली मुकदमों की हकीकत सामने आ गई है, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। ये भी कहा कि मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। आपको बताएं कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मौवन मुकर्रर कर दिए हैं। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समात हुई और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रुबानी, खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम, यासिर कुरैशी मौवन मुकर्रर किए गए हैं और अदालत ने केस की समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत का आइंदा समात से रेफरेंस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला भी सामने आया है। आपको बताएं कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मौवन मुकर्रर कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख पत्थर पे लकीर है, हमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर 100% एतमाद है। अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, भुट्टो की फांसी केस में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करना है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने यह भी कहा कि पुराने सियासतदानों ने वही पुरानी सियासत करनी है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। इस कौम को बताया जाए कि कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था। उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने यह फैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में, उसके भी हमें बहाल करना पड़ेगा। बाकी जमातों का भी हक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे
इलेक्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फैज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं। पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म कल आयद होगी। मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस चला रहा हूं, जज अबुल हुसैन जुल्करनैन आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है वो दिया जाएगा, ये कहा गया जज अबुल हुसैन जुल्करनैन की जानिब से। और वकील सलमान सफदर ने यह कहा कि जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जिस पर जज अबुल हुसैन जुल्करनैन की जानिब से ये कहा गया कि कोई पॉइंट बता दें कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की ये समाप्त हुई। उधर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पीटीआई वकला की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो ही सर्टिफिकेट जारी करेगा, ऐसा कहा गया डीजी लॉ की जानिब से। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी किए जाएंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूख करने के इकदाम को दुरुस्त करार देने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा है कि एक दहशत गर्दाना फैसला है और आजाद कश्मीर की आवाम और हुकूमत इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये फैसला मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में हिंदू वजीर आला बनाने की साजिश है जो बैन अलावामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया कल के रोज में, कश्मीरियों के लिए तो ये फैसला कोई बिल्कुल अचानक नहीं आया, ये कंटिन्यूटी है 5 अगस्त 2019 की। मसला है कश्मीर पूरी तरह अक्वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर ज़िंदा है और ये फैसला बुनियादी तौर पर बैन अल-अक़वामी लॉज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी और एक तरह की दहशतगर्दी है। वो चाहते क्या हैं कि अगर वो सितंबर 2024 में इलेक्शन करवाएँ, जिसकी मुझे कहीं दूर दूर तक अभी उम्मीद नज़र नहीं आती, तो वहाँ एक मुस्लिम अक्सरीती इलाके को वो तब्दील करना चाहते हैं कि वहाँ एक हिंदू वज़ीर आला वो मुंतखब करा सके। इन फैसलों की, इन बुजदलाना कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करते हुए, इन्हें मुस्तरद करते हुए, इन्हें बैन अल-अक़वामी कवानीन के अंदर रहते हुए पूरी तरह कन्फ्रंट करेंगे। गजा की सूरत हाल से मुतालिक आपको बताएं, जहाँ काबिज से होने अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसराइली फौज की जनूबी गजा और गजा सिटी पर शदीद बमबारी। काबिज से होने अफवाज ने खान यूनस, नसीरा समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी की है और अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइली फौज ने रिहायशी इमारतों पर हमलों में तेजी ले आए हैं वो, और 7 अक्टूबर के बाद शहीद होने वाले अफराद की तादाद 18,200 से तजावुज कर चुकी है। गजा की सूरत हाल से मुतालिक आपको बताएं, जहाँ काबिज से होने अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसराइली फौज की जनूबी गजा और गजा सिटी पर शदीद बमबारी। काबिज से होने अफवाज ने खान यूनस, नसीरा समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी की है और अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइली फौज ने रिहायशी इमारतों पर हमलों में तेजी ले आए हैं वो, और 7 अक्टूबर के बाद शहीद होने वाले अफराद की तादाद 18,200 से तजावुज कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं कारोबार की दुनिया से। खबर यह है कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया है। गैस की कीमतों में इजाफे और महंगाई को मद्देनजर रखकर यह फैसला किया गया है, ऐसा बताया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। मईशत की शरह 2.1% रहने की तवक्को है। ज़रई पैदावार में बेहतरी आ रही है और आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। IMF प्रोग्राम के तहत ज़रई मुबादला ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं। माली साल 2025 में महंगाई 5 से 7% का हदफ मौजू है। बिजली बिलों में सार्फिन को लूटने का मामला, वजारत तवानाई बिजली कंपनीज की हिमायत में खड़ी हो गई है। नेप्रा रिपोर्ट को गैर मुसद्दिका बेबुनियाद करार दे दिया और ये कहा गया कि बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया गया है और नेप्रा की जानिब से इस्तेमाल किया गया ज्यादातर डेटा गलत है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज जीशान यूसुफ से। इसे जी जीशान बताइए, मजीद क्या कहा गया इस रिपोर्ट में। देखिए, वजारत तवानाई अपनी जो गलतियां हैं और खामियां हैं उसको बेहतर करने के बजाय अपनी जो गलतियां उसे छुपाने की कोशिश कर रही है, और नेप्रा ने जो एक प्रोफेशनल ने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी तो उसके मुकाबले में एक रिपोर्ट आ गई है और नेप्रा और वजारत तवानाई इस वक्त आमने सामने है। जो ओवर बिलिंग की गई थी मुल्क भर में करोड़ों सारी चीन की,
तो उस रिपोर्ट को गलत करार दिया गया है और जो वजारत तवानाई की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि गलत डेटा सेट के इस्तेमाल से गलत डेटा इस्तेमाल किया गया और उसके इस्तेमाल से आदाद शुमार में गलतियां हुई और इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया। ज़ीशान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। براہ راست لیے چلیں گے آپ کو گوجرانوالہ، جہاں پیپلز پارٹی کے جلسے سے پیپلز پارٹی رہنما قمر سما قائرہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں، اس شہید بھٹو کے نواسے کو بڑے تانے دیتے تھے، آج کل بھی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی بلاول صاحب تو بھی نوجوان ہیں، جس دن وہ وزیر خارجہ بنے تھے اور کارکنوں آپ کو یاد ہوگا بڑے تکلیفیں ہوئیں، ان پہ بڑی تنقیدیں کی گئیں کہ جی وہ ابھی بچے ہیں، ان کا ابھی تجربہ نہیں ہے، ان کو ابھی اس کا اصولی طور پہ اتنا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے اس عظیم باپ، عظیم نانا کے عظیم نواسے نے عظیم